छुपल राज के खुली पिटारा, जनता के अब इहे बनारा। रोजी रोटी के सवाल, विकास निर्माण, भ्रष्टाचार, अत्याचार, रूढ़िवादी और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार। हर क्षेत्र के व्यक्तित्व संघ के सीधा दंगल, कार्यक्रम आमने सामने। साता के साते दिन सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने। गांव शहर सारा गुंजाउने यो हो रेडियो सामने 96.4। नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरी श्रोतालु के रेडियो सानबी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग में तरंगित होके वाला कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में हम फिर से मनोज पटेल अपने लोग के स्वागत अभिवादन करे के चाहतनी। ठंडा के मौसम बा और ठंडा के मौसम में देश के राजनीतिक गर्म अवस्था में रहल बा। अभी देश के राजनीतिक सरगर्मी एकदम गर्मा गर्म बा। मौसम तो ठंडा बा लेकिन सदन से सड़क तकले के अवस्था अभी देखल जाओ तो एकदम गर्मा गइल बा और राजनीतिक प्रतिनिधि सभा जौन विघटन गइल बा ओकरा खातिर काठमांडू से लेके जिला जिला में आंदोलन के बिगुल फूक देले बा राजनीतिक कर्मी लोग और खास करके सरकार से बाहर रहे वाला राजनीतिक दल के नेता लोग एकर विरोध प्रदर्शन कर रहा बा और लोग अदालत के निर्णय के इंतजार में बा। बहुतों लोग अदालत के निर्णय के इंतजार में बा लेकिन बहुतों लोग अभी आंदोलन में आ गइल बा। जनता के का मिल रहा बा आंदोलन से और बिहान देश के राजनीतिक अवस्था दिशा जवन हुई कौना मोड़ ओरी जाई और जनता के जौन विकास के प्रति चाहना बा विकास के प्रति जनता जौन प्रतिबद्ध बा लोकतंत्र के प्रति जौन जनता प्रतिबद्ध बा ओकर रक्षा कैसे हुई इहो विषय के बहस अभिन चालू बा हमनी के देश में। आई सबसे पहले कार्यक्रम में हम आज हमनी के अतिथि के स्वागत हम करे के चाहे नेपाली कांग्रेस के युवा पंक्ति के बहुत ही चर्चित नेता बारा जिला के नेपाली कांग्रेस के भातृ संगठन तरुल दल के अध्यक्ष समेत रहल लोकेश सिंह आज हमनी के कार्यक्रम में अपन विचार के साझा करे खातिर उपस्थित हो रहा बानी। रेडियो के हमनी के टेलीफोन संपर्क में उनकरा के हमनी के प्रत्यक्ष रूप में हमनी के संपर्क कर चुकल बानी और लोकेश जी से देश के पिछले का राजनीतिक अवस्था और नेपाली कांग्रेस बारा क्या कर रहा बा युवा लोग नेपाली कांग्रेस के युवा पंक्ति लोग के अवस्था अभी का बा आदि इत्यादि विषय में हम उनकरा से चर्चा परिचर्चा करे के प्रयास कैले बानी। सबसे पहले लोकेश जी के कार्यक्रम में स्वागत बा। लोकेश जी अपने के स्वागत बा कार्यक्रम में। धन्यवाद मनोज जी। लोकेश जी अपने लोग के समय तो अभी बहुत व्यस्त हो गई बा बुझाता ऐसा देश में की एगो चुनावी सरगर्मी गर्म हो गई बा जैसन जनता महसूस कर रहा बा लेकिन एकरा के अपने लोग प्राय नेता लोग एकरा के दोसर किस्म से परिभाषित कर रहा बानी। ये चुनावी सरगर्मी है कि ये साँचो में लोकतंत्र रक्षा के खातिर अपने लोग आवाज उठा रहा बानी। वास्तव में कहें तो लोकतंत्र रक्षेला है जन संसद विघटन भेल है ना जी जी। और लोकतांत्रिक तरीका से संसद एगो अपहरण भेल संसद विघटन भेल एगो संविधान सभा के चुनाव भेल संघ के चुनाव भेल प्रदेश के चुनाव भेल स्थानीय निकाय के चुनाव भेल और बहुमत के सरकार कम्युनिस्ट सरकार बनेलक तो अब काथी लग रहा है जनता के जन कांग्रेस प्रतिपक्ष के भूमिका कैलक यानी कि कांग्रेस के कमी कमजोरी के कारण से ही अपन कम मत ले और प्रतिपक्ष के भूमिका में गल और कम्युनिस्ट सरकार एगो बहुमत के सरकार बनेलक तो उस सरकार से भी सबके काफी महसूस भेल कि अब देश में माओवादी काल रहे द्वंद काल रहे मधेश आंदोलन रहे जन आंदोलन रहे ये सब उड़ा गल अब ये कम्युनिस्ट सरकार अब कुछ करी अब देश एगो स्थिरता में आ जाए कह के सबके एगो आशा रहे और कांग्रेस भी लगभग अपन गलती स्वीकार कमी कमजोरी करके प्रतिपक्ष के भूमिका निर्वाह कैलक और कम्युनिस्ट सरकार के बहुमत के सरकार के एगो बुझी ना मान चुकल और एगो देश स्थिरता में जाए कह के आम पब्लिक और आम जनता एगो एकरा के स्वीकार दिले रहा और देश स्थिरता में जाए के परिस्थिति में जा चुकल अवस्था में कम्युनिस्ट सरकार अपन लोभ में अपन लालच में अपना घर के झगड़ा के करते
अपन एगो घर के दाजू भाई के घर के अपने एगो संस्था के झगड़ा ला अपने एगो कम्युनिस्ट सरकार के दू आदमी के झगड़ा के कारण आज सिंगो नेपाल तहस तहस हो गया बा। वो मीडिया कर्मी हो को संचार कर्मी हो को आम के जनता हो को अन्य पार्टी हो को एगो कम्युनिस्ट सरकार के कारण से दाजू भाई के झगड़ा के कारण से दू गो पार्टी के नेतृत्व के कारण से देश तहस नहस हो गए बा और संविधान अपहरण हो गए बा और लोकतंत्र अपहरण हो गए बा। ये अब का हुए देश में कह के फिर हमने 20 वर्ष पछाड़ी जाम सन की कह के ऐसा परिस्थिति आ गए बा। और 12 बुद्धे सहमति जिन्हें कांग्रेस कह के सरकार में ले आई रहे अपने के माओवादी के आगे ना और वैसा ऐसा संविधान लेखक के प्रक्रिया असफल भैल कारण से सुशील कोइराला के नेतृत्व में जन संविधान जारी भैल राजा के कांग्रेस के नेतृत्व में राजा फैलल गल ई परिस्थिति जब जब दुख भैल देश में तब तक तो कांग्रेस संभाल जी सब चीज जी जी कम्युनिस्ट सरकार के कारण कम्युनिस्ट सरकार के कारण से देश तहस तहस भैल कारण से फिर सरकार के नेतृत्व लेवेला ना देश बचावेला लोकतंत्र बचावेला संविधान के रक्षा करेला माया ममता के कारण से कांग्रेस आज आंदोलन में उमल बा और संविधान के रक्षा जैसे भी कांग्रेस करी कह के एगो हमनी के धारणा बा वो के चलते हमनी आंदोलन में उमल बा कांग्रेस जी। लोकेश जी अपने जितना बात कहनी है इस सब चीज आंदोलन के थाती राख के अब देश में एगो शांति सुशासन कायम हो को और देश एगो विकास के गति में तेज गति में दुनिया के दौड़ में आगो बढ़ो जनता के तो ये चाहना रहे। लेकिन नेपाल में जनता के का बुझाई बा नेपाल में जितना भी राजनीतिक परिवर्तन भइल लेकिन नेता हाल तक ले परिवर्तन ना भइल उहे पुरनका नेता उहे पुराना सोच उहे नस्लीय राजनीतिक नेपाल में आजो हावी बा और युवा लोग के कहीं ना कहीं राजनीतिक बागडोर में आगे बढ़े के युवा लोग के राजनीतिक बागडोर जवन देवे के चाहिए प्रदान करे के चाहिए ओमे कमी होला के कारण से भी आज देश की अवस्था बा ए में अपने के का प्रतिक्रिया बा। स्वाभाविक रूप में हमने कहने जवन बात जायज बा जवन देश के युवा लोग एगो देश के कर्णधार हुई ओकरा के अगाड़ी बढ़ावे के चाहिए ओकरा के राज्य संस्था अगाड़ी बढ़ावे के चाहिए ओकरा के एगो उन्मूलन के तरीका से अगाड़ी बढ़ावे उ हम ना प्रत्येक दल के एमाले हो को कांग्रेस हो को नेकपा हो को मधेसी दल हो ओमें वास्तविक रूप में युवा के पछाड़ी रखल जाला दास बना के रखल जाला और जो माओ पार्टी जेकर जेकर माओ पार्टी बा उ शीर्ष नेता लोग अपने वरी परी के दूगो पांचगो सलाह लेके बागडोर रह के देश चलावल ओमें कहीं ना कहीं देश पछाड़ी पड़ेला। और कैसे बाकी अपने के उदाहरण हम देख जाए जब 60 वर्ष के आदमी हो जाला तो नेपाल सरकार के संविधान में रिटायर कर दे वाला कोनो व्यक्ति के कैसे एक मनस्थिति अब काम ना कर सके शरीर काम ना कर सके अगर बुद्धि काम ना कर सके रिटायरमेंट अवस्था पेंशन लेके घरे बैठा दे वाला वो व्यक्ति अब 60 वर्ष के ना काम ना कर सके को नेपाल के संविधान में भयल व्यक्ति के आ एमए काथी बाकी 60 वर्ष के जब व्यक्ति हुई तब परिपक्व राजनीतिक में आई ऐसे ही गलत चीज बा 60 वर्ष 70 वर्ष के आदमी हो जाए तो ओकरा के राजनीतिक से रिटायर ले पड़ी को सलाह ले पड़ी ओकरा के एगो नागरिक समाज बना दे पड़ी ओकरा के एगो बुद्धिजीवी सर्कल के बना दे विशेष सलाहकार बना के युवा पंक्ति में देव चाहे लेकिन उ चीज ना भइला के चलते देश भी एगो अनमल में बाटे अगर युवा पीढ़ी जी तो लोके जी अपने अपने एगो खुद युवा बानी अपने युवा बानी एगो चर्चित बानी युवा के लोग में बारा परसा रौतहट जिला में अपने के नाम बा युवा के दौड़ में एगो अपने बहुत चर्चित बानी लेकिन ये कैसे समाप्त हुई जब युवे लोग ही नेता लोग के बाउंसर बनेला तोड़ फोड़ चक्का जाम के काम में युवा लोग लागेला और नेता लोग के बुढ़वन नेता लोग के आदेश में युवा लोग कोनो भी काम करेला अगाड़ी बढ़ जाला चाहे गलत होके चाहे सही होके तो ये सोच जब तक ले परिवर्तन युवा लोग में ना आई कैसे ये परिवर्तन हुई अपने कह रहा बानी जी अपने के पास स्वाभाविक चीज बा एगो नेपाल में काफी बाकी शिक्षा की कमी बा चेतना की कमी बा वो किस कारण से ही बाटे खास करके तराई मुल्क में बाटे ये हमनी के शिक्षा कमी बाटे चेतना के कमी बा हमनी के कांग्रेस के देखे तो कोनो ऐसा लड़का तोड़ फोड़ में ना जाए कोनो केकरो बाउंसर ना बनी हाँ कि ना लेकिन अपने के कहल हद तक बहुत ठीक बाटे आज के दिन में कौन नेता लंग कितना लड़का बा कौना नेता लंग कई गो मोटरसाइकिल आ सकला आज कौना नेता लंग कई गो अशिक्षित लड़का के पाली वे आज के नेता बनता वे आज डॉन बनता वे राजनीतिक संरक्षण बनता अपने वैसन क्षेत्रीय ठाव जैसन बा जनकपुर बा वीरगंज भैल हेटौड़ा भैल नेपालगंज भैल वैसन चीज में भी बाटे तो खास करके युवा के बुझे कहीं और जब तक देश एगो स्थिरता में ना जाए जब तक एगो चेतना ना हो जब तक शिक्षा के
अगाड़ी न बढ़ावल जाए तब तक की जौन हमने के युवा पीढ़ी बा हमने दास बन के बैठे सन, लेकिन कुछ हद तक ले अब ठीक होके जाता थे। जैसे हमने देखे हम तरुण दल का अध्यक्ष बानी, कांग्रेस के महासमिति सदस्य बानी, नेपाली कांग्रेस में देखे, केंद्र में देखे गगन थाका के देखे, शंकर भंडारी के देखे, वैसे बहुत युवा लोग अब अगाड़ी बढ़ा था और पीछे तरीका से अब के नेतृत्व गगन थापा भी समरियन जैसे ई परिस्थिति जा रहा बा। नेकपे में देखे तो विभिन्न युवा लोग भी अगाड़ी बढ़ रहा बा, रह गल की पहले के जी लोकेश जी जनता जनता का कह रहा बा, जनता का कह रहा बा कि वैसन परिवर्तन के जरूरी का बा, जवन राजा के गोड़ लागे वाला लोग, राजा के फूल माला चढ़ावे वाला लोग आजुओ पार्टी में बा, नेपाली कांग्रेस में, नेकपा में, चाहे औरो पार्टी में भी कहल जाओ, उहे लोगवा बा, सियारा उहे बा, पोचुआ रंगैले बा, जैसन हालत बा लोग के, और जनता के भरमावे वाला खेल हो रहा बा का अभी, जैसे कि सरकार में जब लोग रहेला तो जनता के केहू ना याद करेला, अपने के था बा ठंडा में जनता मरता, जनता के कोनो किस्म के राहत, एगो न्यानो कपड़ा, एगो आगी बारेला जरना तकले मिले वाला अवस्था नहीं है, लेकिन जब भी अपन पद खतरा में आ गए तुरंत नेता लोग सड़क में आ जाला, ये चीज अपने देख रहा बानी एकदम स्वाभाविक। खास करके पहले के सरकार तक कैले बना करे के बात नहीं है, अभी जो पांच बरस के सरकार आये हुए केपी शर्मा ओली के कम्युनिस्ट सरकार हुए, चाहे प्रदेश के सरकार में लाल बाबू गद्दी जी के जो मुख्यमंत्री के सरकार आये, ये तो पटक के जनता ला कुछ कर ही ना सकल, ये लोग के काफी हो गए कि हम पांच वर्ष के माइनट ले लेनी, अब हम कुछो करेम तो हो कह के ये लोग के नेतृत्व के सरकार करे लागल, ये लोग में हम हो गए, घमंड हो गए, ओ के चलते देश में विकास नहीं के, ओकर संघ में विकास नहीं के, प्रदेश में विकास नहीं के, स्थानीय निकाय में विकास नहीं के, एकरा के तो पूर्ण रूप से स्वीकार के पड़ी, अब भ्रष्टाचार में भी पूर्ण रूप से लिप्त हो गए बालो, ऐसे कहीं ना कहीं एकदम देश दूसरे तरीका में जा रहा हो, फिर अब का वही कह के जनता के डर तराश हो गए बा, अपने के बात में कहीं दू टुकड़ा के बात नहीं, एकदम रियल बात बाकी यहाँ अपने के जनता के अपेक्षा अनुसार कोनो सरकार काम नहीं कर सकल अभी। लोकेश जी हम फिर अपने लोग के नेपाली कांग्रेस के आंदोलन के विषय वस्तु हम जुड़े के चाहे हमनी के कार्यक्रम में, हमनी के दोस्त लोग के, हमनी के रेडियो सुन रहा देश विदेश में, हमनी के ऑनलाइन मार्फत, चाहे फेसबुक पेज मार्फत, चाहे मोबाइल मार्फत, रेडियो मार्फत, जितना भी हमनी के श्रोता लोग रेडियो सुन रहा बानी उन लोग के हम बतावे के चाहतनी कि आज हमनी संगे बारा जिला के चर्चित युवा नेता, तरुण दल के बारा जिला के अध्यक्ष लोकेश सिंह जी हमनी के साथ में अपन विचार के साझा कर रहा बनी। लोकेश जी लोकतंत्र के रक्षा के खातिर ये आंदोलन अपने कहनी है कि आंदोलन हो रहा बा, लेकिन ये आंदोलन देख रहा बनी कि ये आंदोलन विकेंद्रित बा, केंद्रीकृत नहीं के, शक्ति के जोन बा, शक्ति के एगो केंद्रित होके के चाहे ऊ होके नहीं के सक रहा, नेपाली कांग्रेस के भीतर भी दू गो गुट के दू किस्म के अपने के देवबा जी के एगो सोच बा कि चुनाव भी हो जाए तो ठीक रही, नहियो भी हो तो ठीक रही, बहुत लोग अभी सर्वोच्च अदालत के का निर्णय हुई ओकरा के भी इंतजार कर रहा बा, स्पष्ट नीति अपने के पार्टी के भी नहीं के, चाहे जनता समाजवादी पार्टी के बात कल जाओ, चाहे माधव कुमार नेपाल प्रचंड गुट के बात कल जाओ, सारा लोग एक लगे जन आंदोलन अपने लोग के याद हुई 62-63 के जब देश में प्रजातंत्र गणतंत्र स्थापना करके रहे तो सारा राजनीतिक शक्ति लोग एक लगे आई रहे, लेकिन अभिन अलग अलग बानी अपने लोग, जनता में एकर का जाई, जनता ऐसे का बुझी अपने के बात जायज बाटे, सब लोग चार जना तीन गो पार्टी बा, चार गो पार्टी सब अपना अपना तरीका के हो गए बा, इसे लोग में बड़का हम हो गए बा, ओमे कहीं दुमत के बात नहीं, रह गए नेपाली कांग्रेस जब भी अपन नेतृत्व कैले बा और उन नेतृत्व के लोग ना स्वीकार करी तो वो अपना घरे बा लोग है ना, कांग्रेस जब भी नेतृत्व कैले बा नेतृत्व कर ही के अगाड़ी अपन क्षमता में बाटे, जेकरा कांग्रेस से समीकरण करे के बाद जेकरा आवे के बा वो आई ना, तो कांग्रेस के एगो क्षमता बा, एगो क्वालिटी बा, समुद्र पार्टी है, ऐसे कांग्रेस अपन रास्ता में एकदम लागल बा, संविधान के रक्षा ला लागल बा, कैसे संविधान जोन लिखले बा, जमना लंग माया बा, जमता जेकर बेटा रहेला ओकरा लंग ओकरा माया ममता रहेला अपन बेटा के, वैसे ही संविधान लेखक प्रक्रिया में अगाड़ी नेतृत्व कांग्रेस कैले रहे ओकरा माया बा ओकरा ममता बाटे, रह गेल कि दू गो धार कहनी है, जब तक नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कमिटी से एगो निर्णय ना करी ओकरा के हमनी ना मान सकल जाते, समुद्र पार्टी है, कोई अपन विचार राख सकेला, अपन बोली राख सकेला, अपन भावना राख सकेला, लेकिन ओकरा के नेपाली कांग्रेस के निर्णय ना कह सकल जाता, नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कमिटी के निर्णय हो जाए ओकरा के निर्णय कह सकल जाता, रामचंद्र पौड़ेल जी अपन कैसे लोकेश जी कैसे, जैसे कि अपने के अध्यक्ष जी ओली जी से गठबंधन कह के राजनीतिक नियुक्ति के एथी कर रहा बानी, अपना पार्टी में ले आ रहा बानी ज्यादा से ज्यादा, ओकर बार्गेनिंग चल रहा बा, बहुतो लोग के अपने के पार्टी के राजनीतिक संविधानिक नियुक्ति सब मिलल है अपने के पता बा, तो ऐसे स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा बा कि देवबा जी ओली के तरफ झुकाव रख चुकल बानी, और
नेपाली कांग्रेस निर्वाचन के ओर अगाड़ी बढ़ रहा बा? निर्वाचन ओर के अगाड़ी तो नहीं बढ़ल, एगो संविधान के रक्षे ला अपन आंदोलन जारी रखले बा, रह गल की अदालत के प्रक्रिया आई, अदालत से बाहर नेपाली कांग्रेस ना कहियो बाहर बा आ ना रही, ऐसे तोड़े फोड़ कैल पुतले दहन कैल उ बड़का चीज ना हो, ऐसे कांग्रेस अदालत के निर्णय मानी, अगर अदालत जोर स्वीकार निर्णय दी ओकरा के अगाड़ी बढ़ी, अगर ओकरा के संसद पुनर्स्थापना में जाता कांग्रेस कोने भी लागी, अगर चुनाव में कहता तो चुनाव में भी कांग्रेस पछाड़ी ना हटी, काहे से बहुत लड़कारा था जरा हिम्मत ओकरा चुनाव में आ जा तो उन्हें भी देखी, खाली एगो संसद के देखा था नहीं, एगो पार्टी पैलेस में जा जाके अपन पार्टी छोड़ के एके में अपन झई झगड़ा में कांग्रेस के लड़कारा था तोरा तिमिल हिम्मत छ बने चुनाव में आओ चुनाव बड़ा किन तरसि भू ओकरा के भी हमनी मध्य नजर रख के देखा तनी सन, संसद अगर करे चुनाव में अगर जाए अगर सर्वोच्च अदालत अगर कह देता चुनाव में आवे के जोन अभी भाषा बोला था लोग कि चुनाव से कांग्रेस तरसता ओकर रिजल्ट को दिखाने मिली ओ के कारण से भी लोग अगर हमने के कांग्रेस कहा था चुनाव अगर ठीक बा तो चुनाव में जाये आ चाहे संसद पुनर्स्थापना हुई उन्हें भी जाये जी लोके जी सबसे सबसे बड़का अदालत अदालत एगो सर्वोच्च अदालत बा अपना जगह बा सबसे बड़का अदालत जनता के अदालत होला, जनता कांग्रेस के पक्ष में बा अपने देख रहा बनी, अपने लोग तो डायरेक्ट 353 स्थानीय पालिका में जाके कार्यक्रम कर रहा बनी, 165 निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस कार्यक्रम कर रहा बा, जनता के क्या जनादेश मिल रहा बा अपने लोग के अभी? जनता के आदेश काफी बात जोन गाँव में जाते सन बिहान चुनाव हो जाए तो ठीक हो जाए, हमने में तो जल लहर बा अभी कांग्रेस में प्रवेश करे के मधेसी दल नेकपा के लोग जल लहर बा, लेकिन हमने भी फिल्टर रख के प्रवेश करावता नहीं सन, फिल्टर करके काम करावता नहीं सन, कांग्रेस जहां भी जाता नहीं सन, कांग्रेस के ना चुनाव हुई तो ठीक रही, देश भ्रष्टाचारी हो गए, बलात्कारी हो गए, असुरक्षित हो गए, एकदम अपने कथी बोला कर बढ़ गए कि ना, जनता में एकदम किसिम के महंगी बढ़ गए कि ना, सब लोग के चाहना भाई सरकार कितना जल्दी बिगाई, हमनी मात्र नहीं सक नेकपा के ही एगो दल कहता कि कितना जल्दी सरकार बिगा जाओ, कह के मधेसी दल ही कहता कि कितना जल्दी जाओ, जे समर्थक बाबू कांग्रेस के एकदम अपेक्षा बा जब कांग्रेस ना आई तब तक ही देश अगाड़ी ना बढ़ी, कह के प्रत्येक भावना गांव गांव में बांटे, का हमनी के कार्यक्रम स्थानीय निकाय में हो गए, प्रदेश लेवल में हो गए, आज प्रत्येक नेपाल के वाड़ा का वाड़ा समिति लोग आज का अपना अध्यक्षता में कार्यक्रम होके जाता लो, अब कई बेर 8 बजे से हमनी के बड़े जिला में परसौनी गांव पालिका से शुरू होके जा रहा बा, सब स्थानीय निकाय जी अभी अपने नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व आओगे जी, अपने अभिन अभिन कहाँ बानी लोकेश जी, अपने अभिन कहाँ बानी? अभी हम परसौनी पुगल बनी, क्या कार्यक्रम हो रहा परसौनी में हमनी के जनता लोग के बताएंगे अपने परसौनी के कार्यक्रम के विषय में भी? अभी हम कांग्रेस के महासमिति सदस्य तरुण दल के अध्यक्ष होते हुए भी, एगो भारतीय संस्था के भी अध्यक्ष होते हुए हम कांग्रेस के महासमिति सदस्य है, वो महासमिति सदस्य के नाता से 4 नंबर क्षेत्र में हम खटल बानी, 4 नंबर क्षेत्र में परसौनी वार्ड नंबर 6 से, परसौनी गांव पालिका वार्ड नंबर 6 से हमने के उद्घाटन होकर जाता, वहां से कार्यक्रम हुई और प्रत्येक क्षेत्र में आज हमने के प्रत्येक वार्ड में कार्यक्रम हुई, समथिंग 12 बजे से सब जगह शुरू हुई, लेकिन एगो परसौनी गांव पालिका वार्ड नंबर 6 में 8 बजे से शुरुआत करे जाए जाता और सब कार्यक्रम अपने के 11 बजे से लेके संजय 4 बजे तक प्रत्येक वार्ड में ओली सरकार के विरुद्ध में जो संविधानिक निकाय जो अपहरण भयल बाटे, जो अपने के संविधान के रक्षा करे के चाहिए, जो देश बचावे के चाहिए, और कांग्रेस जो अपन नेतृत्व लेके गए बा कम्युनिस्ट सरकार की देश डुबा दिलक, अपन भाई भाई के झगड़ा के चलते, अपन पार्टी के झगड़ा के चलते देश तहस नहस कर दिलक, कह के हमने के भंडाफोड़ के साथ हमने अगाड़ी प्रत्येक वाड़ा में आज जा रहा बने। लोकेश जी जैसे कि अपने के पार्टी प्रतिपक्ष की भूमिका में रहे, अपने लोग ओली सरकार विघटन होके के चाहे ओली सरकार के काम नहीं खे, अपने लोग शुरू से आवाज नारा सब बुलंद करते आ रहा बनी सदन और सड़क दोनों जगह से, तो ओली जी जब सदन के प्रतिनिधि सभा जब भंग कर देनी तो नेपाली कांग्रेस के तो अभी गोल्डन चांस बा, अपने लोग चुनाव में जाए तो अपने के विचार से लागत है कि हमने के पूरा बहुमत आई अभी चुनाव में जाए के चाहिए नेपाली कांग्रेस के? अब रहल की देश के परिस्थिति का कहता उस अनुसार से जाए, जनता का कहता उस अनुसार से जाए, इस सब के सर्वोपरि अपने के सर्वोच्च अदालत है, अब चारों ओर से थाक के चल गए भाई भाई के झगड़ा के चलते, अपन पार्टी के झगड़ा के चलते ये एगो निर्णय सर्वोच्च अदालत लगल बा,
आ सर्वोच्च अदालत के सम्मानित सर्वोच्च अदालत के नेपाली कांग्रेस एकदम स्वीकार करे वाला संस्था है, एगो पार्टी हुए। अगर जब तक ओकर निर्णय ना आई तब तक कांग्रेस कोनो निर्णय लेवे नहीं के जात, और जो निर्णय दी जौना मोड़ में जाए वो निर्णय ला कांग्रेस एकदम तैयार बाटे, 24 घंटा तैयार होके बैठल बाटे। जब निर्णय होती खान जौना तरीका से कही उस तरीका से जनता के माध्यम में हमने जाए वाला एकदम रेडी बनी सन। लेकिन कांग्रेस कहियो सरकार में जाए के ना कहलक, प्रतिपक्ष के भूमिका कहलक, लेकिन कितना फिर के प्रचंड जी के बात आयल माधव जी के नेपाल में आज भी अपने सुनते हैं प्रधानमंत्री देवा के देवे के चाहिए, लेकिन कांग्रेस संघ के सरकार में कभी ना जाए जाकर ढूक होकर बैठे के चाहिए, एक हम गारंटी कहता नहीं। जी लोकेश जी, अपने कहता नहीं कि हमने के बात ही जब कह रहा बखत अपने देख रहा बानी माधव कुमार नेपाल प्रचंड जी लगायत लोग भी उ लोग भी शक्ति प्रदर्शन कर रहा बा जगह जगह में, उ लोग के पक्ष में भी जनता के कोनो कमी नहीं खे जैसन दिखाई दे रहा बा। बाबूराम भट्टराय उपेंद्र यादव के आंदोलन एक तरफ बा, सब लोग अलग अलग रपरपा भी राजा के पक्ष में शक्ति प्रदर्शन कर रहा बा। अवस्था में एगो लोकतंत्र के जवन एगो मूल्य और जवन मान्यता बा ओकरा के रक्षा के करे का खातिर नेपाली कांग्रेस कौना जगह पर बा अभी, और अपने कहनी है कि उ लोग के का अपने कहे के चाहे माधव कुमार नेपाल प्रचंड बाबूराम भट्टराय चाहे उपेंद्र यादव लगायत के नेता लोग के जवन अभिन गतिविधि हो रहा बा, उ लोग के काम के प्रतिकार टिप्पणी करे के चाहे अपने। हम खास कर एक नंबर में कम्युनिस्ट सरकार के जोन बाटे लोग जोन नेतृत्व में रहे लोग अभी तो प्रचंड माधव जी सरकार में नहीं खन वे बात कहे के चाहता नहीं। वो अपना एगो व्यक्ति एगो पार्टी होके एगो व्यक्ति एगो पोस्ट होके चाहिए, प्रधानमंत्री प्रचंड होके चाहिए या पार्टी अध्यक्ष होके के चाहिए, उनकर एगो कुर्सी के लोभ रहे। माधव कुमार नेपाल के उहे रहे कि प्रधानमंत्री हो कि या पार्टी अध्यक्ष हो, उ लोग के व्यक्तिगत झगड़ा है, उ लोग के पार्टी के झगड़ा, दू जना के झगड़ा के चलते सिंगो नेपाल आज डूबे जा रहा बा, एगो नाव डूबे जा रहा बा। ऐसे वो लोग व्यक्तिगत कुर्सी के कारण से झगड़ा कर ले बा, वो लोग के जनता रुचावे वाला नहीं है। लोकेश जी, माधव कुमार नेपाल प्रचंड जी स्पष्ट कर दिले बानी कि इस सारे काम में हमनी के गलती नहीं है, केपी कॉर्मरेड के मूड पर इस सारा वो लोग थोप दिल कि केपी जी के ही पूरा गलती बा, ऐसे हमनी वो लोग से बाहर आ गई नहीं, हमनी जनता के पक्ष में बानी, माधव कुमार नेपाल प्रचंड जी कह रहा बड़ा एकदम एकदम अपने कहल भी जायज बात बा, वो लोग के भी कहल जायज बा। लेकिन वो लोग कहाँ रहे जिया विष्णु पौड़ेल अपना बेटा के नाम पर कहते ललिता निवास के जगह अपने के बालुआटन के जगह बेच के अपना बेटा के नाम पर कैले रहन, वो दिन कांग्रेस संसद में आवाज उठेला कि गलत बात बा, तो वो लोग वो दिन कहाँ रहे। उहे विष्णु पौड़ेल आजू महासचिव होके ये लोग पार्टी से निकाल दिलक, वो तीखन कांग्रेस के उ लोग बात कहे ना सुनलक। निर्मला पंत के हत्या के खोजी हो रहा बा, वो दिन कहाँ रहे लो। अपने चाहे कोविड में भ्रष्टाचारी भैल बा ओमनी के ठेका में कांग्रेस संसद में गगन था पर बात उठेलक, वो दिन ये लोग कहाँ रहे। जितना विषय वस्तु बा लोग अभी उठान कैले बा, वो से पहले नेपाली कांग्रेस संसद में प्रस्तुत कर देने रहे, उ प्रस्तुत के लोग समर्थन ना कैलक। आज उहे चीज के केंद्रीय कमेटी में जो गंगन थामा प्रवेश कैलन ओकर नकल बना के केंद्रीय कमेटी में प्रस्तुत कैलक लोग, आ ओकरा के ठाड़ो रूप से केपी शर्मा ओली कहलन ना तू प्रस्ताव फिरता कर तब केंद्रीय समिति के बैठक बैठा, आ ना प्रस्ताव फिरता करब तो हम बैठक ना करब। दोनों दो लोग के ओतही बैठल, आ माधव कुमार नेपाल भी प्रचंड भी कांग्रेस के लाइन में आयल, वास्तव में यह भ्रष्टाचारी भल बा, देश एक से ना चली, उ लोग भी कांग्रेस के लाइन में अपन बात रखलक, वो दिन से लोग पार्टी बंद हो गल फूट गल, ये लोग से देश चले वाला परिस्थिति नहीं है। एक मधेसी दल के बात आ गल, मधेसी दल भी हुए बा उपेंद्र यादव जी निर्वाचन जीतलन सरकार में गैलन, संविधान संशोधन के प्रस्ताव नेपाली ही कांग्रेस लिया के प्रवेश कैले बा, संविधान संशोधन के प्रस्ताव कैले बा। जोन व्यक्ति 63 में नागरिकता लेले बा, 63 के नागरिकता लेवल के बेटा बेटी SLC पास हो गल बा, इंटर पास हो गल बा, ओकरा लोक सेवा देवे के नहीं मिलल, ओकर नागरिकता मिले के चाहिए करके संसद में प्रस्ताव भेल व्यक्ति अभी तक ले संविधान संशोधन ना भेल, ओकरा 63 के जे नागरिकता बेटा बेटी के नागरिकता ना मिले सकल, वो दिन उपेंद्र जी कहाँ रहन, वो दिन मधेश के मसीहा सांसद लोग कहाँ रहे कि बात ना उठेलक। आज सरकार से निकाल दिलक, कानून मंत्री बनेलक, स्वास्थ्य मंत्री बनेलक, वहां से सरकार से लात मार के निकाल दिलक, तो अभी आ गलो फिर कांग्रेस आंदोलन के लिए बा, ओकरे लाइन में ई लोग भी आल बा, तो ई लोग भी कोनो दूध के धोल ना बा, जनता के आंख में धूरा जो कटल। जी लोकेश जी, अंत में हमनी कार्यक्रम के अंत अंत ओर आ गेल बानी, बहुत ही अच्छा अपने हमनी के विचार अपन साझा कैनी हमनी के कार्यक्रम में। अंत में नेपाली कांग्रेस एगो इतिहास बोकल पार्टी,
अभिन लोकतंत्र ही खतरा में पड़ सके के अवस्था राजा के पुनर्स्थापना करे के बात सब भी हमनी के देश में चल रहा बा। देशी विदेशी राजनीतिक चल खेल हमनी के नेपाल में बढ़ गई बा। अभिन अपने भी नजदीक से देख रहा बानी, एकरा के समाचार पढ़ रहा बानी, सुन रहा बानी, तो लोकतंत्र के रक्षा के खातिर अपने कहनिया नेपाली कांग्रेस खड़ा रही जभी भी। संक्षिप्त रूप में अपने बताई, नेपाली जनता के डराए के जरूरी बा, लोकतंत्र अब खतरा में पड़ जाए, नेपाली कांग्रेस एकरा के रक्षा खातिर करे खातिर सक्षम बा कि ना बा? एकदम पूर्ण रूप से नेपाली कांग्रेस एकरा के क्षमता बाटे जोन लोकतंत्र के रक्षा करी, इस संविधान के रक्षा करी, संविधान में लेखल जोन चीज बाटे ओकरा के रक्षा करी। आ अगर कोई चीज कभी ना कोई सोच सकेला कि संविधान पुनर्स्थापना ना होई या निर्वाचन होई, तो फिर जवन संविधान बाटे ओकरे के जारी कहके कोई कहके दिमाग से लोग हटा दे, एकदम दोसर पार्टी से नेतृत्व ना हो, दोसर पार्टी कुर्सी ला लड़ल, दोसर पार्टी पैसा ला लड़ल, लेकिन नेपाली कांग्रेस के कोनो स्वार्थ ना रहे कि हम कुर्सी में जाएं, ओकरा ना स्वार्थ रहे हम भ्रष्टाचारी करें, ओकरा ना रहे कि हम शांति सुरक्षा कायम ना करें, ओकरा एक एक स्वार्थ रहे कि देश कैसे स्थिरता होई, जनता पहले सुख चैन शांति से रही, ई चीज और पार्टी ना दे सकल, ऐसे इस संविधान के रक्षा करी और पार्टी एगो अपन अगाड़ी बात निकाली और एगो अपन नेतृत्व करी और संविधान के रक्षा करी, डूब के कहीं राजावादी आई कह के चिंता ना कैला से हुई। जी लोकेश जी, अपने व्यस्त भी बानी, कार्यक्रम में भी बानी, और कार्यक्रम स्थल से भी हमने के समय उपलब्ध करा देनी है एकरा खातिर, और इतना अच्छा विचार अपन हमनी के जनता के खातिर अपने साझा कर देनी है रेडियो में आके, एकरा खातिर अपने के बहुत बहुत धन्यवाद बा रेडियो सानवी के टीम से तरफ से। धन्यवाद मनोज जी, अपने भी बारा जिला के नेपाली कांग्रेस के जनता के बात रख देवेला, जनता के आवाज उठा देवेला, जनता का सुने के चाहता का करेला, जोन मनोज जी बात उठा देनी, सनबी एफएम जोन अभी अपन प्रतिक्रिया अगाड़ी बढ़ा रहा बा, जनता के माध्यम में लोकप्रिय होता, ओकरा के भी हम सनबी एफएम और मनोज जी के धन्यवाद देते, हम विदा हो जी। और तमाम हमनी के श्रोता लोग जे अभी हमनी के कार्यक्रम अभी तक सुनत रहनी हमनी के रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज में, और कार्यक्रम आमने सामने के दंगल के जो निर्धारित समय बा अजूरिया गेल बा। लोकेश जी नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय महासमिति सदस्य, तरुण दल बारा के अध्यक्ष और युवा चर्चित नेता रहनी है, वहाँ हमनी के अपन विचार साझा करनी है कार्यक्रम में। और अंत में हम ये कहें, जनता जनार्दन होला, जनता दूध के दूध और पानी के पानी छुटियाई, कौन सही बा कौन गलत बा पहचान करे वाला अभी ये मौका आ गई बा जनता के हाथ में, तो ऐसे जनता के डिसीजन सही डिसीजन हुई और देश सही डिसीजन के साथ में आगे बढ़ी, जनता ओकरे पक्ष में खड़ा हुई जवन सत्य के लड़ाई लड़ रहा बा, सत्य के खातिर खड़ा बा, सत्य के खातिर मर रहा बा, ओकरा पक्ष में जनता खड़ा हुई, ये कहें। अगला कार्यक्रम में हमारा अपने के फिर मुलाकात जरूर हुई, भेंटघाट जरूर हुई। कार्यक्रम आज के खतरा विदा चाहता नहीं हम, नमस्कार, प्रणाम, शुभ दिन।